झांसी जिलाधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विद्यालय, गौशाला, मतगणना स्थल सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। झांसी जिलाधिकारी ने मंगलवार की सुबह सबसे पहले कम्पोजिट विद्यालय पचौरा विकासखंड बंगरा का निरीक्षण किया गया, जहाँ रसोई घर, एस्ट्रोनॉमी लैब, पुस्तकालय आदि को देखा गया एवं बच्चों की उपस्थिति चेक की गई। साथ ही ग्राम के लोगों से वार्ता कर ग्राम की अन्य समस्याओं को सुना गया एवं संबंधित अधिकारियों को अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने झांसी के मऊरानीपुर में होने वाले नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना स्थल अग्रसेन महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराए जाने के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा झांसी जिलाधिकारी ने अस्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गौवंश के खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा पूर्वा और बुखारा में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना हर घर जल व अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को खोद कर डाली गई पाइपलाइनों के लीकेज और सड़कों को जल्द सही कराए जाने के निर्देश दिए। देखिए, आपको मालूम है कि 13 मई को हमारे नगर निकाय चुनाव का मतगणना होना है। इसकी चूंकि मतगणना तहसील स्तर पे होती है, तो मैं और SSP साहब आज और कल में समस्त तहसील का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, किधर से मतगणना एजेंट आएंगे, किधर से कर्मचारी जाएंगे, किधर से मतपेटिका जाएंगी, ये सब की व्यवस्था देखिए। CCTV कैमरे लगे हैं, बैरिकेडिंग हुई है, CCTV कैमरे का कंट्रोल रूम है और जितने भी प्रपत्र की व्यवस्था होती है सब पूछा गया है। और हम लोग की आशा है कि ये मतगणना बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से हो। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।